दिल्ली की टीम ने पूर्व बिशप पीसी सिंह के घर और ऑफिस पर छापामार कार्यवाही की है। ईडी की टीम जब बिशप के घर कार्यवाही करने पहुंची तो उस समय वहां सो रहे थे। ईडी अफसर बिशप सिंह के घर और दफ्तर से उनके द्वारा देश के अलग अलग शहरों में चर्च की जमीनों की बिक्री और विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज तलाश रही है। इसके अलावा ईडी की एक दूसरी टीम ने जबलपुर में ही सिंह के राजदास सुरेश जेकब के घर पर भी छापामार कार्यवाही की। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीते साल राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बीते साल सिंह के घर और दफ्तर में छापामार कार्यवाही की थी। इस मामले में वह केंद्रीय जेल जबलपुर से हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। गोहलपुर में टीन की चादरें बेचने वाले दुकानदार के साथ 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने सोने के सिक्के दिखाकर पीड़ित से रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मोहम्मद हारून 47 वर्ष निवासी चांदनी चौक हनुमानताल ने लिखित शिकायत की। उसकी बहोरा बाग में टीन की चादरों की दुकान है। दुकान में एक व्यक्ति उसके पास आया और चांदी का सिक्का दिखाते हुए कहने लगा कि सिक्का बैंक से बदलना है, क्या यह बदल जाएगा? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, इसके लिए आपको बैंक में जाकर पता करना पड़ेगा। उक्त व्यक्ति को उसने बैंक का पता दिया तो वह व्यक्ति चला गया। मोहम्मद हारून, पिता मंजूर अहमद, इनके दुकान है रद्दी चौकी पे। वहाँ पे कुछ दो लोग आए थे और इनको 30 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में 2-3-4 बार आए और उनसे ये कहा कि हमारे पास सोने के सिक्के हैं, चांदी का सिक्का है और उसको बदलना है। हम बैंक गए थे, बैंक से बदला नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम बाहर से आए हैं तो हमें तकलीफ़ है। इस बात को लेकर उन्होंने एक सिक्का दिया और उसको कहा कि आप टेस्ट करा लीजिए। फिर टेस्ट कराने के बाद उन्होंने लालच में आके और फिर उसको करीब 13-14 लाख रुपये दे दिए और वो सिक्के की एक पोटली देगा। जब उसको देखा गया सिक्के की पोटली को, तो वो फिर इन्होंने रखने के बाद उसको चेक किया तो वो नकली निकले। उसमें पीतल के सिक्के थे और वो सोने का एक जो सिक्का था वो ही मिला इनको, बाकी के शेष जो थे वो पीतल के सिक्के थे। इसके आधार पर पहले जांच की गई, जांच के आधार पर फिर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने जिस मोबाइल नंबर से बात की थी वो मोबाइल नंबर ट्रेस कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनके दुकान के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त करने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होने से प्रतीत होने से 420 का मुकदमा दर्ज किया गया। गड़ा थाने में उस समय हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब जब्त किए हुए वाहनों में एक अजगर का बच्चा देखा गया। हालांकि यह अजगर का बच्चा था, लेकिन अजगर सांप के होने की खबर के चलते लोगों में भारी कौतूहल देखा गया। जानकारी पुलिस कर्मियों को लगी तो उन्होंने सर्प विशेषज्ञ को बुलाया, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने अजगर सांप के बच्चे को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि अजगर के बच्चे ने कुछ निगला हुआ था और वह जब्त किए हुए वाहनों के बीच में छिपा बैठा था, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने पहुंचकर वाहनों को हटाते हुए अजगर के बच्चे को सुरक्षित पकड़ा। सांप के पकड़े जाते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। गाड़ियां खड़ी रहती है थाने में लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे हम लोग बाहर बात कर रहे थे तो वहाँ पे गमले के पास देखा तो कुछ पट्टी टाइप की नजर आ रही थी। पट्टी को देखा तो छोटा अजगर का बच्चा समझ में आया, फिर उसको देखा तो भागने लगा, कुछ निकल लिया था छोटी सी चीज़, तो उसको फ़ोन लगा के अपने सर्प विशेषज्ञ को बुला के उसको पकड़वा के और पीछे जंगल में छुड़वा दिया गया। जबलपुर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक आते ही सरकार को अपनी विभिन्न मांगे पूरी कराने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और धरने किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की आशा उषा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे पूरी करने को लेकर कामबंद हड़ताल की तैयारी करते हुए टाउन हॉल में धरने पर बैठ गई। आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने कामबंद हड़ताल की चेतावनी सरकार को दी गई। लगातार हमारी हड़ताल चल रही है और सिर्फ हम लोगों की मांग है कि प्रदेश के जितनी भी आशा उषा कार्यकर्ता बहने हैं, 2021 में ये प्रस्ताव बना था कि आशा को 10,000, सहयोगियों को 15,000 रुपए तत्काल प्रभाव से लागू करें, लेकिन आज तक बजट में आशाओं का नाम नहीं आया है और हम सभी बहनें इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करने के बाद हमें ज़्यादा
राशि की जरूरत होती है और सरकार मात्र 2000 रुपए देती है, इतने में हमारा घर नहीं चलता है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आशा को 10,000, सहयोगी बहनों को 15,000 रुपए तत्काल प्रभाव से लागू करें। ओमती पुलिस ने चेन और मोबाइल स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को घटना के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। 30 वर्षीय मोहित खत्री जब नेपियर टाउन स्नेह विहार की ओर अपनी मंगेतर से बात करते हुए पैदल ही जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन युवक उसके बगल से गुजरे, जिसमें बीच में बैठे युवक ने मोहित का मोबाइल छीना और पीछे बैठे युवक ने उसके गले में पड़ी सोने की चेन पर झपट्टा मारा और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित युवक ओमती थाने पहुंचा और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। तीन लड़के मोटरसाइकिल सवार आए थे, उसका मोबाइल और चैन झपट्टा मार के छीन लिए थे, जिस पर थाने पर अपराध कायम किया गया था। लगातार विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय शिशु साहब के मार्गदर्शन पर टीमें बना करके लुटेरों को ढूंढने का प्रयास किया गया, जिसके अनुक्रम में आज दिनांक को भरतीपुर में वंदाई भवन के पास ऐसी सूचना मिली जिसकी कुछ लड़के जो मोबाइल बेचने की फिराक में हैं। टीम बना करके क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों को बुला करके सामुदायिक भवन भरतीपुर के पास पहुँचे, जहां पर तीन लड़कों को रोके पकड़े और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, इसके अलावा अन्य 7 मोबाइल जो कई अन्य थानों से छीनना लूटना बताया जब्त किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया है।